हेलो, क्या हाल चाल। स्वागत है मेरे चैनल अल्ट्रा ग्लूमी में। और आज हम बनाने वाले हैं थंबनेल, जो कि गेमिंग के बेसिस पे होगा। जैसे आपने थंबनेल में देख लिया होगा और टाइटल भी पढ़ लिया होगा, तो आप सोच रहे होगा यार ये तो गेमिंग छोड़ के टेक पे आ गया, टेक्नोलॉजिकल पे आ गया। भाई ऐसे कोई बात नहीं है, मैं बस गेमिंग के उससे बनाऊँगा। लेकिन मुझसे 3-4 मेरे सब्सक्राइबर्स ने कहा था, मुझसे 2-3 सब्सक्राइबर्स ने कि आप कैसे इतने कूल थंबनेल बनाते हो, उनका नाम आपको शो हो रहा होगा। और बेसिकली उनको मैं शाउट आउट देना चाहता हूँ। राइजिंग स्टूडियो है हमारे, जो है 1000 Things in 1 चैनल हैं, और रानी शर्मा है, उनको मैं शाउट आउट देना चाहूँगा। और वो हमसे पूछ रहे हैं कि आप ये कूल थंबनेल ऐसे थंबनेल कैसे बना लेते हो। तो आज मैं वही थंबनेल्स बनाने वाला हूँ, उसको जो मैं प्रेजेंट करने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने अपना, तो मैं इसके लिए यूज़ करता हूँ थंबनेल बनाने के लिए पिक्सल लैब, जिसको हम अब खोल लेंगे बेसिकली। और तो इसको जो है मेरे पास ये जो है ये पोर्ट्रेट खुल के आ गया। सबसे पहले हम ये जो टेक्स्ट है इसको हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि इसको बाद में हमें ज़रूरत पड़ेगी। और ये जो 3 सेटिंग्स का ऑप्शन है हमें वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से यूज़ इमेज फ्रॉम गैलरी पे सिलेक्ट करना है। तो और इससे ये जो है डाउनलोड्स खुल रही है हमारी, तो हमें सबसे पहले जाना है रीसेंट्स पे। रीसेंट्स पे जाके मैंने एक ब्लैक कलर का वो ले रखा था, जो है आउटपुट ले रखा था ये वाला, जो कि ये है इमेज। इसको मेरे को सिलेक्ट करना है बेसिकली। और ये जो है ये हमारा सिलेक्ट हो गया। अब यहीं सेटिंग्स पर बटन पे जाके हमें इमेज साइज़ पे क्लिक करना है, जो कि है यहाँ पे हमारा ये इमेज साइज़ दे रखा है 4:3 का। हमें इसको 16:9 का करना है। कस्टम पे जाओगे तो यूट्यूब थंबनेल पे जाके यूट्यूब थंबनेल सिलेक्ट करना है। अब ये हमारा 16:9 हो चुका है। तो अब हम आगे खोलते हैं, ये जो है हमारा वो हो चुका है। अब यहाँ पे मैं जो है साइड में पिक्चर्स आ रही है, वो कैसे लाया मैं। सबसे पहले आपको जाना है यहाँ पे इस हेक्सागन शेप उसमें, और शेप्स बटन क्लिक करना है। इसको हमें बड़ा करना है, अपने हिसाब से आप बड़ा कर सकते हो। मैंने इतना लिया है और इतना इसको मतलब पूरा कवर कर देना है इसको ऐसे। तो यहाँ पे जो है हमारे पिक्चर्स आ जाएंगी, बाकी सब हो जाएगा। अब इसको जो है मैं यहाँ से लॉक कर लूँगा। ये जो सेटिंग्स के बटन नीचे हैं उस पर जाके आपको लॉक कर देना है, जिससे कि यह होगा कि ये जो है अब हमारा हिलेगा नहीं। अब हमें टेक्स्ट देखना है। सबसे पहले मैं लिखूँगा यहाँ पे टेक्स्ट जो है, अब हमें लिखूँगा मैं हाउ टू। और हमेशा जो है हमारा लेटर सारा जो स्टार्टिंग हो हमेशा कैपिटल में रखीजिए, जो कि इम्प्रेशन डालता है, जो कि क्लिकेबल बनाता है वीडियो को। तो यहाँ हाउ टू हो गया है हमारा, इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। और इसको मैं जो हूँ सेंटर में रखता हूँ यहाँ पे। और इसका साइज़ जो है अब हम यहाँ से ए पे जाएंगे, तो यहाँ से इसका साइज़ बड़ा कर लेंगे। इसका साइज़ थोड़ा बड़ा कर लिया हमने, और इसको थोड़ा सा छोटा, नहीं इतना भी नहीं, मतलब इतना हम रख सकते हैं हाउ टू। अब यहाँ पे लिखूँगा मैं अलग से मेक, यहाँ पे ऐड का बटन ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे लिखूँगा मैं अब कैपिटल में मेक लिख लिया हमने। अब इसको जो है वो यहाँ ले आता हूँ मैं, इसको भी थोड़ा सा बड़ा कर दूँगा, और इसको यहाँ नीचे रखेंगे, इसको डायरेक्ट नीचे लगा दूँगा। और उसके बाद अब लिखूँगा मैं यहाँ पे थंबनेल, जो कि हमारी मेन चीज़ है, जो कि इस वीडियो को जो है क्लिकेबल बनाएगी। तो यहाँ पे न्यू टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे अब हम लिखने वाला हूँ, कैपिटल में लिखूँगा पूरा, जो कि पूरा हाईलाइट करके थंबनेल लिखेंगे। ओके सिलेक्ट हो गया। और इसको जो है वो सबसे मतलब ज़्यादा बड़ा रखेंगे इसको, जो कि और इफेक्ट डालता है, क्लिकेबल बनाता है वीडियो को। तो यहाँ थंबनेल लिख दिया है, इसके बीच में जो है गैप देना ज़रूरी है, जो कि और इफेक्टिव बनाएगा और प्रेजेंटेबल बनाएगा इस वीडियो को। तो थंबनेल को मतलब सॉरी, और इसको थंबनेल यहाँ लिखेंगे। अब मैं ये लिखूँगा मैं फॉर और गेमिंग, तो उसको भी मैं जल्दी से लिख लेता हूँ, यहाँ सेलेक्ट करके इसको हटा के फॉर ओके सिलेक्टेड, इसको नीचे ले आता हूँ फॉर, इसको भी थोड़ा सा बड़ा। और उसके बाद अब लिखूँगा मैं गेमिंग, और गेमिंग जो है हमारा मेन टेक्स्ट होगा वो थोड़ा थंबनेल से भी ज़्यादा बड़ा लिखे हैं आप, अगर आप ऐसे मतलब वो कर रहे हैं तो गेमिंग थंबनेल फॉर गेमिंग, क्योंकि जो होते हैं लोग सब बताते हैं कि आप थंबनेल कैसे बनाओ, तो गेमिंग के लिए कैसे बना सकते हो वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मतलब जैसे मतलब थंबनेल कैसे बनाते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, गेमिंग के लिए कैसे बना सकते हैं वो मैं बताऊँगा। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बेसिक्स बताने वाला हूँ मैं आपको आज। तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ, जो कि यहाँ पे आ जाए पूरा, थोड़ा छोटा, क्योंकि अभी हमें इसको और भी टेक्स्चर्स देने हैं।
तो अब इसको टेक्सचर देते हैं। यहाँ पे हमने साइज तो इसको बुक कर लिया, अब इसको हम कलर दे देते हैं। कलर जो है हम यहाँ पे इसमें जाए ग्रेडियंट पे जा सकते हैं जो कि अलग कलर बनाता है। तो हम इसमें ब्लू दे देता हूँ मैं इसको, और इसका जो फॉन्ट है रिसेंट्स में जाके मैं इसका फॉन्ट्स रखने वाला हूँ ये वाला। ये देखिए क्या कूल लग रहा है यार, इससे तो थोड़ा सा इसका जैसे मैंने बोला था ये देखिए। चलो अब ये आ रहा है, इसमें पूरा आ रहा है। तो इसको फॉन्ट देने के बाद इसको स्टाइल में जाके हम बोल्ड कर सकते हैं, बोल्ड से और अच्छा टेक्सचर आता है। इसको ना बैकग्राउंड कलर इसमें हम दे सकते हैं जो कि अब यहाँ से जैसे ये है, ये दे सकते हैं इसको। तो ये मैंने ये दिया है, ये बहुत बढ़िया लग रहा है यार देखने में। और अब फॉन्ट जो है उसको सेलेक्ट करते हैं, और ये सब मैं अब करने के बाद मैं आपको जो है टेक्स्ट जो है वो बना लिया है। अब हमें जो है इमेज जो मैंने इम्पोर्ट कर रखी है उसके लिए हमें जाना है हेक्सागन बटन पे, और यहाँ से इम्पोर्ट पे क्लिक करना है, जैसे कि हमारी जो है इमेज जो है वो आएगी। तो हमें जैसे मैंने पहले ये ले लिया, इसको ले लेते हैं हम, और इसको जो है नीचे तक सिलेक्ट कर लेता हूँ जहाँ तक ये कलर्ड इमेज है वहाँ तक सिलेक्ट करता हूँ, और इसको टिक मार करके इसको इमेज साइज़ जो है यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ जो कि इस उसमें जो है फिट हो जाए। इसको थोड़ा सा और लंबा कर लेता हूँ, मेरे ख्याल से अब फिट हो जाएगी, नहीं छुप रही है। इसको थोड़ा सा ये नहीं हल्का सा और नाउ इट इज़ बी अ परफेक्ट पिक्चर। तो ये हमारी एक हो चुकी है। अब दूसरी वाले सेलेक्ट करता हूँ मैं, यहाँ से इसको लॉक कर देता हूँ, ये वाली करते हैं पहले लॉक। ये सब करने के बाद अब मेरे को लेनी है दूसरी पिक्चर, जिसको हम फिर से इंपोर्ट पे क्लिक करके लेंगे। एक ये वाली ले लेते हैं, उसको भी मैं नीचे तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा पतला ये, और मेरे ख्याल से इसको भी मेरे को थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा क्योंकि तीन इमेज ऐसे आएंगे यहाँ पे, ये तो बहुत ही मोटा है इसके मामले में ये। हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर बैठ रही है इसके साथ में। तो ये सिलेक्ट कर देता हूँ और किसी हो गया। तो ये वाली इमेज भी आ जाएगी, लास्ट इमेज अब हमारी जो बची है उसको भी इम्पोर्ट कर लेता हूँ, और जल्दी से ये वाली जो है यहाँ पे ये इसको भी क्रॉप कर लेता हूँ मैं जल्दी से। तो ये भी क्रॉप हो चुकी है, अब इसको जो है मैं और छोटा कर लेता हूँ, और ये बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर पहले बार में ही। इसको जो है तो ये हमारी इमेज जो है वो तैयार हो चुकी है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया है और यहाँ पे इमेजेस भी बना दिया। तो ये हमारी थंबनेल तैयार हो चुका है, और इसको सेव करना है तो आप यहाँ पे सेटिंग्स के बटन पे जाइए, एक्सपोर्ट इमेज पे सिलेक्ट कीजिए, एक्सपोर्ट इमेज के बाद यहाँ पे सेव टू गैलरी लिख गया उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये हमारी जो हो रही है वो सिलेक्ट हो चुकी है। तो आए हो आपको जो ये वीडियो पसंद आई होगी, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल अर्जुन ब्लू गेमिंग को, और हमारा जो गोल है 400 सब्सक्राइबर्स का उसको भी कंप्लीट कर सकते। और मैं इस वीडियो के ऊपर रखा हूँ लाइक एम जो कि है 20 लाइक्स का, तो उसको प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए। बड़ा छोटा लाइक एम रखा है तो इसको प्लीज़ कंप्लीट करवा दीजिए, और ऐसे ही मैं 1000 वीडियोज़ बनाता रहूँगा। तो गाइस एंड गुड बाय।